हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी तरफ से सबका वेलकम बैक टू द चैनल। देखो कौन आया हमारे ब्लॉग में, फिर से कौन आया, गाड़ी का स्टीयरिंग घूम गया था। तो हमारे पास आ चुका जी हमारा भाई विपन, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, ठीक है जी, घर से आया है स्पेशली जलालाबाद से घूमने के लिए। मैं और मेरा भाई अब लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल हम लोग गेड़ी मार रहे थे यहाँ पे पीयू में, बड़ा टाइम बाद आया था, कहता मेरी पीयू की गेड़ी मरवा लो। और पीयू में काफी कुछ चल रहा है, देखो आगे जाके दिखाता हूँ, वहाँ शूटिंग शाटिंग भी चल रही मूवी की। तो विपन का कहना एक्टर लोग तो गाड़ी में बैठे हैं, शूटिंग किस चीज की कर रहे हो इसको पता नहीं। जो पहले सेटअप होता है उसके बाद एक्टर लेट पहुंचते होते हैं हमेशा, तो हम अपनी वैनिटी में बाहर घूम रहे हैं, जब सारा स्टार्ट हो जाएगा फिर पहुंच जाएंगे वहाँ। टेंशन ना ले तू विपन, देखो यूनिवर्सिटी का क्राउड, बच्चे घूम रहे हैं सर्दियों के दिनों में, यहाँ पे भी कुछ चल रहा है और यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है ना जी। तो पीयू की कुछ झलकियाँ ले लीजिए और देखो गेड़ियां शेड़ियां बज रही हैं। तो गाइस फिर उसी ठिकाने पे खड़े हैं जहाँ से रोज का व्लॉग शुरू होता है, उसी जगह पे सेक्टर 11 में। एक्चुअली कंफ्यूजन ये है, वो खड़ा लठवाल, उसके भाई की शादी 28 तारीख की, तो अभी तक तो प्लान ये था कि वो भी जा रहा है हमारे साथ। हम लोग प्लान कर रहे थे कि नारकंडा जाके आए, नारकंडा बर्फ पड़ी हुई है तो पास में वही पड़ता है, इनका भी एग्जाम है 22 को, तो हम चाहते थोड़ा फन कंटेंट आए व्लॉग में और वो सारे के साथ ही आता है। नहीं तो मेरा और विपन का मनाली का था, मनाली अभी रश बहुत होगा क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है और वेरी कॉस्टली। क्या हाल है भैया? और हाँ न्यू मेंबर इन द व्लॉग नीर मलिक, हूँ तो पुराना यार है, फ्रॉम यूएसए, यूएसए अभी ये यूएसए जाने वाला, अभी ये युगांडा से है विपन मास्टर जी, इसको तुम जानते हो प्रिंस को। देखो टाइसन भी आ गया व्लॉग में, हमारे डॉग नैन्सी और टाइसन, कम ऑन गाइस, कम तो देखो भाई ये लठवाल का हमारा प्लान कैंसिल हो गया हमारे घर जाने का, तो हमें अब कहाँ जाना, नारकंडा? नहीं वो बाद रास्ते में बताएंगे, रास्ते में बताएंगे। ओ सॉरी सरप्राइज, हम लोकेशन बदल भी सकते हैं भाई। ये देखो यार ये पैकिंग, ये भाई है मास्टर जी व्हाट इज दिस, क्या ये पैकिंग बता दो। नहीं नहीं चलने, मुसाफिर कितने चलिए हैं? मुसाफिर तो राह के होते हैं, राह के होते हैं, बाबे हैं असी तो, हैं बाबे हैं उसे। लुक सब दी मैं ये भाई, लुक कैंट लग रहे हैं सबकी, हाँ भाई सेक्सी तैयार होके चल रहे हैं सारे, वैसे सारे देख रहे भाई। ओए भाई कैसा है, है ना? गाइस आर रेडी, दे आर सिटिंग, हम कैदी क्या था भाई। देखो यार ऐसे हम जा रहे हैं, हां सही सही बात, बता देंगे, सही बात है ना। तूने लाते सीधी कर ली, तू ये कहां बैठेगा भाई, सीट है यार, चल बैठ ना, तो अंदर से ही तो पैर से क्यों कर रहा है ये जूते, किसके बाहर रखे हुए? गाली नहीं देनी, बाकी सब सही है भाई, आपको निकालना मैं टिकूंगा, मेरे को फिर राइटिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो गाय ओए ओए मेरी बात सुन, यहीं से एक थंबनेल दे दो ये सही है ये। चलो गाइस हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया, जो भाई व्लॉग चालू हो गया भाई, चुप व्लॉग चालू हो रहा भाई, डीजल डला के हमें अभी जाके पेट्रोल वगैरह डलाएंगे, जो भी है व्लॉग बनाना है तो हम पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं गाइस, डीजल रिफिल करवा रहे हैं 3000 का, देखते हैं कितना आता है इसमें, कितना लीटर आएगा। और ये देखो अभी हो गया इतना, और 24/7 में मैगी लेने गया विपन, उसको भेजा है, रास्ते में बनाएंगे मैगी और आपको भी दिखाएंगे रास्ते में। दे रहे हैं पहाड़ों की मैगी तो वैसे फेमस है, वहाँ की नहीं खाएंगे हम, खुद की बनाएंगे क्योंकि हमारे पास गैस और सारा कुछ अपना सिस्टम है। तो 35 लीटर फ्यूल आया जी भैया, वो दे दो स्कैनर भाई के साथ वीडियो, ठीक है ब्रो। तो अभी फ्यूल तो हमने डलवा लिया, आधा टैंक से थोड़ा नीचे है 35 लीटर, और अभी पोल्यूशन करवा रहे हैं, गाड़ी का पोल्यूशन नहीं था, बाकी सब कागज ओके हैं, इंश्योरेंस वगैरह और पोल्यूशन करवा के उसके बाद। हाँ जी डीजल, हाँ जी डीजल। सो गाइस वी हैव फाइनली टच द हिमालयन एक्सप्रेस वे, सारे बैठे हैं भाई लोग पीछे, मजा ले रहे हैं, देखो फुल चिल चल रहा है, और अपना भाई भी अपन आफ्टर सो लॉन्ग व्लॉग में आ गया मास्टर जी, मेरे मास्टर जी नहीं, मास्टर जी क्यों कहते हैं इसको, ये सारे इसको मास्टर जी कहते हैं, इंग्लिश वाले सर है, इंग्लिश वाले सर की तरह लगता है इनके जो कॉलेज में है डीएवी में, पर इसको तो इंग्लिश आती नहीं, उसको भी नहीं आती। अच्छा तो ये राजी हाईवे चकाचौन 4 लेन और टाइम हो गया 5, बाकी रास्ते में रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे, भूख लग रही है, तो हमारा शायद प्लान है जावली वाले मैगडी में रुकने का, देखते हैं अगर वहाँ रुकना है तो नहीं, तो हेल्दी बॉय कहना फ्रूट खाते हैं
बैड बॉयज यू आर विद बैड बॉयज नॉट विद हेल्दी बॉयज हेल्थ कार छोड़ के अगर हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ वेल्थ हेल्थ कॉन्शियस तो पहाड़ों पे चढ़ गए हम फाइनली ऑन द हिल्स और परवाणु क्रॉस कर लिया। देखो रास्ता अभी जब लास्ट टाइम मैं और ये आए थे उस टाइम तो काफी लैंडस्लाइड हो रखी थी टूट रखा था यहाँ पे भी था शायद अब पता नहीं कौन सा स्पॉट था। अभी कितने टाइम पहले आए थे एक महीने पहले अक्टूबर एंड में आए थे हाँ अक्टूबर एंड में अभी दिसंबर का भी एंड चल रहा है तो लेट्स सी कि रास्ते में क्या क्या दिक्कत है। लेकिन उस टाइम हम होंडा सिटी पे आए थे वो थोड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं गाड़ी इसको तो हम धड़ घुसा देंगे जहाँ दिल किया और बाहर भी अब अंधेरा होने का तो मैंने सोचा उससे पहले पहले थोड़ा बहुत आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखाया जाए। जैसे कि सामने देखिए लाइटें चल गई हैं जो गांव है आसपास वहाँ घरों में तो देखो हम कैसे जुगाड़ कर रहे हैं अंदर ब्लॉक करने का। इतनी लाइट है भी नहीं उसकी रहने कोई फायदा नहीं वो इतना भी दिखता नहीं उसमें चली होगी लेकिन तो अंदर लाइटें जला के फ्लैश जला के हम बात कर रहे हैं आपसे और हमें ये उम्मीद है कि हम बर्फ देखेंगे और बर्फ नारकंडा में पड़ी हुई है कल रात ही हमने चेक की है कि एक किलोमीटर नहीं दिखेगी दिखेगी उम्मीद नहीं पक्का दिखेगी लेकिन फ्रेश मॉडल नहीं नहीं फ्रेश स्नो नहीं दिखेगी ऑलरेडी जो पड़ी हुई है बहुत है वो बहुत दिखेगी और शायद किस्मत बाकी किस्मत ने साथ दिया तो फ्रेश भी पड़ सकती है मौसम बदलते टाइम नहीं लगता पहाड़ों में और कुफरी में भी हो सकती है पड़ी हो वो तो आगे जाके पता चलेगा जो भी सीन होगा। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए थे जावली वाले मैकडी से हमारा पुराना रिश्ता पुराने व्लॉग में भी देखा होगा हमारा यहाँ पे आके हमें सुकून मिलता है और पहाड़ों पे और मैकडी ना जाओ ऐसे हो नहीं सकता जैसे कि मॉल रोड पे भी है लेकिन हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा यही खा ले नहीं नहीं पता है रात को बंद होता है यहाँ लगाते हैं पानी अपनी गाड़ी शान से और लव कटारिया और मेरे को जाना है बहुत जोर से वॉशरूम इधर आ ब्रो इन डाकू को देखो भूल तैयार हो ठीक है ये क्या कर रहा तू साइड आ था नीचे से नीचे से उल्टा लिखड़ फंस गया नटवाल इज नटवाल मिशन सक्सेसफुल नटवाल दूसरी बारी दूसरी बारी तू तो वो नहीं खाने फ्रेंच फ्राइज पता नहीं क्यों नहीं खाने उसने नहीं खाने तो लेट्स गो पेट पूजा होगी गाना बहुत ऊंची लगा हुआ है आ जाओ सवॉय ग्रीन्स जावली मैकडी हेयर वी गो आ जाओ अभी सफर काफी बड़ा लंबा है ठंड बहुत है पर ठंड लग रही है देखो यहाँ पे तो बार भी सेटिंग है बैठने के लिए ओहो एकदम से ठंड लगी ब्रो और यहाँ पे केबल कार भी चल रही थी बाहर पता नहीं कैसे ऑर्डर आता है शायद दिन में आता होगा पर नीचे तो पानी जा रहा है बह रहा है दैट इज द हाईवे दैट्स वेयर आवर कार इज पार्क्ड सिवॉय ग्रीन्स और केबल कार जा रही है ये कहाँ को कहाँ जाती है इस होटल से ये केबल कार इधर होती हुई ऊपर को जा रही है इधर उस जगह पे दैट इज द केबल कार कहाँ गई ये रही तो होटल वालों की है शायद पता नहीं जो भी है हमने तो बैठना नहीं तो लेट्स बाउंस केबल कार जाते हैं मैं देख ली ब्रो ये होटल वालों की कोल्लड़ में चाय पिया करो दोस्तों इस बहाने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा अच्छा स्पेशल देसी घी की कचौरी कहाँ है इन द लैप्स ऑफ जैन गार्डन हिमालय कलेक्शन गिफ्ट कर रही है अंदर है इसके अंदर साइड है ना ओहो ठंड बहुत है गाड़ी में घुसो भाई लेट्स गो बहुत ठंड लग रही है पौड़ा पाएगा कुछ और मॉल रोड तो और ज़्यादा लगेगी और तू तो रास्ते में उतार रहा था कपड़े उतार अब नहीं लग रही चलो हमारी गाड़ी में डले हुए ऑफ रोड टायर्स ठीक है तो ये छोटी मोटी चीज़ को कुछ समझते नहीं है गंदी हो गई है खैर गाड़ी मिट्टी थी रास्ते में लेट्स गो वी आर फाइनली हेयर इन सोलन आपको व्यू चेकआउट कराते हैं यहाँ से रात का तारे आ गए ज़मीन पे बदल भी आए इसी के तो तारे भी आ गए अब और जो यहाँ पे ग्लिम्स लोगे इसके बाद राइट साइड पे
अभी तो नीचे आ गए क्या, थोड़ा ऊपर से देखना था, पर फिर भी अच्छा आएगा व्यू क्योंकि हम आज थोड़ा ऊपर बैठे हैं। हाँ यहाँ से आएगा व्यू ऑन द राइट, सारा सोलन शहर यहाँ पे। ऐसा लग रहा है अभी टाइम तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रात के 10-11 बज गए हैं। देखो यहाँ से और फिर विंड की नॉइज आएगी, सर 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 ऐसे दिख जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है। चलो यहाँ पे गीला क्यों है? नहीं नहीं बारिश हुई है। नहीं नहीं थोड़ा बहुत है। क्या थोड़ा बहुत है? बारिश तो हुई है ऐसे लग रहा है सड़क पे। शिमला 53 सोलन 7। गंदा गंदा दिख रहा है सामने से। दियो घाट ये बहुत सही बना हुआ है रास्ते में, देखो पैलेस की तरह लग रहा है बिल्कुल। हवेली मैकडॉनल्ड्स यहाँ भी है, सोलन में है ये सारे ही। ये देखो जी ये तो गए सो चारों के चारों, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा और शुरू आ रहे हैं, सो रहे हैं मस्ती से जैसे पता नहीं हम लग लद्दाख से आ रहे हैं। सो गए प्लस पे रास्ता बड़ा है ना, सो गए। ये भी सो गया था कौन? तू शिमला क्या? मैं कभी सोता हूँ क्यों? तो वो है कौन सा जानवर है सोता नहीं होता? कौन सा जानवर? पक्षी है भाई। पक्षी है जो सोता नहीं है, ये भी उसी नस्ल का पक्षी। ये पैच अभी भी देखो ऑफ रोड है पूरा यहाँ पे, ये ठीक नहीं हो। लास्ट टाइम भी हम आए थे उस टाइम भी ऐसा ही था, ये मतलब साफ किया है साइड से। ओहो सामने से क्या दिख रहा है? साफ किया है साइड से लेकिन रास्ता अभी भी कच्चा ही है। तो ये थोड़ा सा पैच है जो सोलन से कंडा घाट तक का जो ऐसा है। मैं इसको कह रहा हूँ कॉफी पीते हैं, ये मना कर रहा है। शिमला जल के पियेंगे, जय शिमला मार ली किसने बना के रखी है ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ यहीं पी लें, थोड़ी थोड़ी मजा तो आए सफर का। देखते फिर रास्ते पे बनाएगा तू बनाते हैं कप नहीं है कप ला डिस्पोजल अलग है कहाँ पे रुके? बीकानेर वाला भी है यहाँ पे ज्ञानीस। तो फाइनली एक हॉल्ट लिया रास्ते में फॉर द चाय ब्रेक, थोड़ी सुस्ती पड़ रही थी, बाकी लोग गाड़ी में ही हैं, मैं और यही आए बाहर। मियन हैम इसको फ्लेवर वाली चाय पीनी थी लेकिन फ्लेवर वाली चाय है नहीं। चाय तो है ना, हनी जिंजर लेमन पी रहा हूँ मैं। और ये काफ़ी अच्छी जगह है रास्ते में, गुड रेस्टोरेंट्स बीकानेर वाला एंड ऑल दैट, बर्गर ग्रिल वगैरह भी है। और दिस इज़ द प्लेस जहाँ से वी आर हैविंग टी। ये मेरी चाय, ये इसकी चाय, ये और मैं इसके अंदर बैठ के बीकानेर वाला में चाय पी रहे हैं। बाकी टीम नहीं आई हमारी अभी अंदर, वो कार में पैक्ड हैं, वो बार बार उतर नहीं रहे हैं, रीज़न बीइंग कि ठंड लगती है उन्हें, अभी नए नए हैं हम लोग, पुराने खिलाड़ी हैं ठंड के। तो चाय खेला सो वो तो बाहर ही नहीं आए। तो ये जगह थी आई लव ग्रब हब। ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, द रॉक कैसल। यहाँ पे तो सड़क बढ़िया बना दी है देखो, पूरी स्मूथ, यहाँ ड्राइव करके भी अच्छा लग रहा है। और ऐसी बिल्कुल एंड तक बन जाएगी ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो पीछे तो थोड़ा पैच से खराब थे ऑफ रोड, ठा हो रही थी। थोड़ा मैं इनको फोन पकड़ाता हूँ, ये भी थोड़ा पीछे बैठ के ब्लॉग करेंगे। पर ये देखो कैथलीघाट रेलवे स्टेशन आ गया, और वैसे इस टाइम लोग भी नहीं है ज़्यादा, हमें था कि न्यू ईयर ईव आने वाली है ना जैसे, तो लोग काफ़ी होंगे, पर अभी क्रिसमस से एक दो दिन पहले आने लगेंगे ये वीकेंड पे, जो कि है 23rd 25th का क्रिसमस है, उस टाइम शिमला में पूरी भीड़ हो जाती है और स्नो के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम तो सिर्फ हम ही जा रहे हैं और ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, और एक ट्रक्स तो चलते ही रहते हैं। अरे भाई ये देखो हम खा, ये क्या खा रहे हैं? क्या है? नट क्रैकर क्रिस्पी क्रिस्पी लटवा लिया भाई। खा लो भाई, खा खा लो सब। वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू आवर ब्लॉग, गुड बाय। वाड़ भाई साहब लठौड़ भाई स्नैक लट खाते हुए साथ में अपनी अर्शद भाई, ओनली रेड बुल लव, रेड बुल लव। नीर भाई नींद में सर में दर्द। पुलिस बैरियर आ गया गाइस, हम पहुंच चुके हैं शिमला और
चराई चल रही है अभी, टेस्ट चल रहा है। ये शिमला का नया बोर्ड लगा है जो अभी लास्ट टाइम नहीं था, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वेलकम टू शिमला। ओहो, तो यहाँ से शिमला शुरू हो गया है। वाह, अब आएगा मजा। बस वी आर इन शिमला। तो अभी सीन ऐसा है, जिस होटल में हमने जाना था वो लोग बोल रहे हैं कि बॉनफायर तो हो जाएगी लेकिन बहुत लेट होगी और शोर नहीं कर सकते क्योंकि आसपास अभी लोग घर बन गए हैं वहाँ पे। तो हमें थोड़ा कुछ और अब इसका प्लान भी सोचना पड़ेगा। ये कर लेंगे कार में बैठ के पीछे। कितनी जगह है? नहीं नहीं, यहाँ क्या बॉनफायर कार के अंदर। ये देखो आइडिया सुन लिया आपने। ऊपर भी कर सकते हैं कार में, ये सनरूफ खोल देंगे पीछे। तुम बॉनफायर करोगे, टू सीटर जाएगी फिर वापस। गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ, दिस इज शिमला ऑन द राइट। जो पहला ग्लिम्स दिखता है वो ये है, जो बहुत ही खूबसूरत। सारे लगे देखो फोन लेके, तो देखो इसको। और मेरा उधर आवाज भी आ रही स्टोरी में उसके। तो वहां से दिखता है जी जाखू टेम्पल और सारा कुछ। और ये सर को बहुत जल्दी है, इसमें दिखाना कि मैं पहुंच गया हूँ। और इधर देखिए, वाह, शीशा नीचे करके अब चेकआउट कीजिए। या वो है सामने चर्च, और ये सारा शिमला ऑन द राइट। हमारे साथ ही ट्रक चला हुआ बेचारा, हमारा साथी राह का, वो भी रील बना रहा है, वो रील बना रहा है व्लॉग। गाड़ी पार्क पार्किंग में, और तू नहीं जा रहा? नहीं भाई, वन पर्सन इज नॉट वेल। चश्मे टूट जाएंगे इसके, इसके ऊपर बैठ भी गया कोई मेरे ख्याल से। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? यू आर तो ओके, ठंड लग रही थोड़ी थोड़ी, बाकी सही है। अच्छा, टेंपरेचर एक बता दो। इन्होंने वो तो बीमार है, वो नहीं जाएगा।